a great feeling. Great feeling. Because it's generally, very, very अभी तक सुना, I think they've not marketed the song उस हिसाब से. उसके बावजूद भी इतना प्यार मिल रहा है, उसके बावजूद भी इतना सपोर्टर, इतना दिल से लोगों के प्यार आ रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी बात है. ओके, स्टोरी की बात कर रहे हैं, काफी रोमांटिक स्टोरी है, साथ ही साथ एक ट्रैजिक भी है, लास्ट में सस्पेंस भी है, तो ये किसका आइडिया था एंड ये कैसे रिवॉल्व होता है? तो जो स्टोरी थी वो थोड़ी अलग थी पहले एक्चुअली, बट जब हम लोगों ने बैठ के बात करी तो मैंने एक सजेशन दिया एंड आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू द प्रोडक्शन, टू द क्रिएटिव्स की उन्होंने, क्योंकि यार फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई उन्होंने एंड दे टुक अप माय सजेशन एंड दे टुक माय सजेशन एंड दे टुक माय दिस थिंग और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको इनकॉर्पोरेट किया अपनी स्टोरी में एंड टर्न आउट टू बी वेरी अमेजिंग. ही सरप्राइज होगा ये एंड. ओके, सो ये आपके दिमाग में कैसा है कि ऐसा सजेशन होना चाहिए? यार बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ मैंने जब सुना ना स्टोरी लाइन क्या होगी तो आई वॉज थिंकिंग दैट समथिंग इज मिसिंग. सो या सो आई वॉज थिंकिंग दैट समथिंग इज मिसिंग एंड देर कैन बी समथिंग. अगर मैं शादी इनसे कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मेरा सरप्राइज ही हो गया, तो मैं शादी कर लूँगा बेटा इनसे. और क्या है खुद की शादी में खुद को पता नहीं है क्या मतलब किसकी शादी हो रही है, सो ये कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक जिसके साथ भी एक्चुअल लाइफ में ये होता होगा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता होगा, बिकॉज वीडियो में इट्स लाइक शी इज़ इन लव विथ हर बेस्ट फ्रेंड लेकिन वो किसी और से शादी कर रहा है, सो आई डोंट थिंक दैट फीलिंग इज़ वेरी गुड. लेकिन एंड में जब वो सरप्राइज रिवील होता है उस खुशी में और इस उस इमोशन के लिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स गर्ल्स आर वेरी रोमांटिक बाई हार्ट, राइट? आई मीन जनरली, तो आई थिंक एवरी गर्ल विल लाइक इट. एंड ये वीडियो का जो फील है एंड द वे प्रतीक हैज़ is in the video, I think all the girls will start liking. आपको नहीं लगता preparation में थोड़ा time नहीं मिलता फिर ऐसे surprises के लिए? नहीं, लेकिन प्रतीक ने पूरा कर लिया था ना सरप्राइज, वो मेरा जॉब नहीं था, मैं बस उधर पहुंच गई थी शादी करने के लिए. बस पहुंचना था, बाकी सब मेरी हेडेक, बाकी सब इसकी हेडेक, वो सब कुछ करना, एवरीथिंग वाज माय हेडेक. एंड वहां पे एंड में दूल्हा बन के वहां पे खड़े होके इनके सर पे वो क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं, छत्र लेके एंड ऑल दैट, वो सब मैंने मैनेज कर लिया, उसकी चिंता मत करो. गाने की बात करते हैं, गाने तो बोल काफी मीठे हैं, सूदिंग है, लूप भी सुन सके वैसे गाने हैं, तो इसके बारे में बताइए. गाने के जो बोल है वो रश्मि विराग जी ने लिखे हैं, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी, उनके हर गाने को, चाहे आप मुस्कुराने की वजह या कितने गाने हैं, मतलब कितने गानों का नाम लो, हमारी अधूरी कहानी एंड ऑल, तो बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं. तो मुझे काफ़ी मन था कि मैं उनके साथ एक गाना करूँ, तो जब ये प्यार है का जब कॉन्सेप्ट आया, जब ये धुन बनी, तो बेसिकली हम लोग सिटिंग करते हैं, तो हमने सर को बोला कि विराग सर एक गाना है हम लोग करते हैं. जब वो आए एंड मैंने इसे ट्यून सुनाया एंड फट करके, मतलब लाइक ना, उन्होंने ना बिल्कुल ऐसे बोल दिया, इसमें ना प्यार है, बहुत सिंपल चीज़ है, प्यार है, पर सबसे बड़ी चीज़ यही है, तो प्यार तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार है हमको, ऐसे आ गए हुक लाइन, मतलब एकदम से हो गया. बहुत सिंपल गाना है बट इट्स अमेजिंग, वो वाइब और वो फील बहुत अच्छी है, राइटिंग वाइज इतनी इतना सिंपल एंड इतना कैची है वो. एंड फिर उसके बाद प्रोडक्शन पे किया एंड गाना काफ़ी जल्दी हमने बना लिया, ट्यून मैंने पहले से बनाई हुई थी, धुन पहले ही बनाई हुई थी, फिर मैंने डब किया, गा के देखा एंड सब इतना अच्छा मर्ज हो गया एंड गाना आया, सबका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सो वी आर सो रियली रियली हैप्पी. एक्चुअली लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं, सो आई एम श्योर लोगों ने रिलेट किया इससे, इमोशनली कनेक्ट किया क्योंकि तुमसे प्यार है, प्यार है, बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एक इमोशन एक्सप्रेस करता है ये लाइन. और ऑनेस्टली इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जब एक सिंपल सा एक ब्यूटीफुल सा चीज़ आ जाता है ना, तो वो कैच ऑन हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आवर सॉन्ग इज़ डूइंग सो वेल. यार मेरी फैमिली, मेरे घर वाले रैंडमली घर में घूमते घूमते हूँ कर रहे हैं इस गाने को, देयर या या इट्स वेरी आई एम लाइक कि ये मेरा गाना, तो देयर लाइक या ये तो वही गाना है, सबके मुंह पे चढ़ गया है सर. लाइक दैट इस गाने में काफी सारे कैची मोमेंट्स भी है, चाहे वो डांस से लेके अपना मेहंदी वाला सीन हो, चाहे वो छतरी वाला सीन हो इनके लिए और मैं दूल्हा बन के खड़ा हूँ, चाहे वो सीन हो, कोई भी सीन हो, जब पायल के साथ हम डांस कर रहे थे, चाहे वो सीन हो, एवरी सीन वाज लाइक अमेजिंग. हर चीज क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब वो जो चारों आई गेस सीक्वेंसेस थे, इट वाज वेरी डिफरेंट. पहले मतलब मैं आ रही हूँ, देख रही हूँ, सेकंड इज मेहंदी, थर्ड इज संगीत, फोर्थ इज शादी, तो इट वाज वेरी डिफरेंट. तो आई थिंक सभी में इतना मजा आया.
अब और मुझे थोड़ा वियर्ड फील हो रहा था जब वो मेहंदी वाला एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, मेहंदी लग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी शादी तो हो चुकी है, दूसरी बार क्यों मेहंदी लगा रही हूँ, ऐसा ऐसे फीलिंग्स आ रहे थे. बट या इट वाज रियली फन. एंड जहाँ तक डांस की बात करूँ तो आई एम रियली नॉट गुड एट दैट, बट ऑफकोर्स इन दोनों ने भी काफ़ी कम्फर्टेबल फील कराया, क्योंकि मैं एक्चुअली डर रही थी पता नहीं मेरा मिस्टेक होने ही वाला है, मैं माइंड में लेके ही चल रही थी. उन्होंने बोला हो जाएगा करके. तो नहीं कम्फर्टेबल मैंने इनको ज़्यादा फील करा दीप्ति से, क्योंकि दीप्ति से ज़्यादा इनके ज़्यादा क्लोज डांस मैं करता हूँ. दीप्ति वाज परफेक्ट. कम्फर्टेबल एक इंसान तभी होता है ना जब दो लोग बुरा करते हैं तो दोनों आपस में कम्फर्टेबल होते हैं. लेकिन कोई तो होना चाहिए जो गाइड करे ना, तो इसलिए मैं ही थी, मुझे फॉलो करो ना. मिसगाइड किया ना हमको कि इतना अच्छे स्टेप्स किए, और मैंने कहा यार चलो पायल आ गई अब हम दोनों कर लेंगे, हम दोनों साथ में कर लेंगे, हो जाएगा. मतलब कुछ तो गाने में है ऐसी बात, क्योंकि सलमान खान ने कितना लाइफ में काम किया, ही इज लाइक द सुपरस्टार यार, सुपर स्टार ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इनफैक्ट अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया गाने का तो मतलब गाने में कुछ तो है हमारे, चाहे वो इनके बोल हो या वो चाहे हमारी प्रेजेंस हो, कुछ तो ऐसा है जो अच्छा लगा. सलमान भाई के बारे में बस इतना कहना चाहूँगी, हमेशा से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. एंड उनकी हर फिल्म में मोस्टली मेरा गाना होता है, जैसा कि आपको पता है रेस 3 में था, दबंग 3 में था, देन राधे में था, दिल दे दिया जो था, तो वो ना हर पिक्चर में मेरे लिए एक गाना तो रखते ही रखते हैं. तो जब उनको पता चला कि मैं कंपोज भी कर रही हूँ, उनको गाना इतना पसंद आया, फिर उन्होंने वीडियो की भी बहुत तारीफ़ की एंड सब कुछ बोले कि गाना तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, मैं शेयर करूँगा. तो आई वाज रियली हैप्पी. इवन मेरा पहला गाना जो था एज अ कंपोज़र, जो पहला गाना किया था वो भी सलमान भाई ने शेयर किया था. उसके बाद से ही मैंने ठानी कि हाँ मुझे कंपोज़र बनना है, पहले मैं सिर्फ गाना गाती थी. जैसे सलमान सर के मूवीज़ में पायल का एक गाना तो होता ही है, ऐसे ही मैं और प्रतीक चाहते हैं कि सलमान सर की मूवीज में हमारा भी एक गाना बिल्कुल हो, इंशाल्लाह. बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत देख ली जिंदगी में, शादी होते हुए भी देख ली, टूटती हुई भी देख ली. हाँ. तो इससे बेटर ये यू नो कि सिंगल ही रहो. नहीं नहीं एक्सपीरियंस जिंदगी में शादी वाला हो गया मेरे. देखो बेसिकली ना शादी नहीं हुई, शादी का एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे हो सकता है, कि शादी होने के बाद कैसा महसूस हो सकता है. आई थिंक वो उतना ही काफ़ी है कि भाई जैसे कहते हैं ना ट्रायल पैक होता है ना, एक गेम खरीदते हैं उसका ट्रायल पैक होता है, 3 दिन खेल लिया बहुत है, 3 दिन खेल लिया बस बहुत है, अब शादी नहीं हो पाएगी उनसे. अब एक बात ट्रायल होंगे. अभी जैसे प्रतीक सलमान भाई के फैन है तो सलमान भाई मुझे लगता है यार कि वो चीज़ मेरे को अफेक्ट कर गई है इतना कि मैं भी शादी नहीं करने वाला. तो सलमान भाई का मैं फैन तो हुई बट मुझे पता नहीं था कि मैं भी कभी जिंदगी में इस मोड़ पे आ जाऊंगा कि मैं बोलूंगा मुझे शादी नहीं करनी. और मैंने एक्चुअली इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया क्योंकि शादी करने की कोई पॉइंट ही नहीं है लाइफ में यार. नो ऑफेंस टू ऑल द मैरिड पीपल, आई एम सॉरी. कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है कि ठीक है यार, बस ठीक है यार. जब तक वाइब किसी चीज़ की आपको जब तक किसी चीज़ की वाइब नहीं आती ना, वो चीज़ करना भी नहीं चाहिए आधे मन से. भाई 10 साल में हम कहाँ होंगे, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या पता 10 साल के बाद का किसने देखा यार. आई थिंक एवरी डे इज वुमेंस डे. पहली बात तो रोज़ ही वुमेंस डे होता है यार, रोज़ ही मेहनत करती हैं वुमेन एंड मैन बोथ एक्चुअली. एंड सो all my love and support and all the good things, all the blessings to the women and men both. मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली सब लोग बोलते हैं हाँ आज वुमेंस डे है, वुमेंस डे है, सो आई विश कि मेंस डे भी हो, क्योंकि मेंस भी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं हर जगह पे, यू नो. सो मुझे ऐसा लगता है मेंस डे भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज वुमेन इज ऑल्सो देयर. तो दोनों की केमिस्ट्री बनती है साथ, एक साथ मिलने पे, यू नो. सो आई थिंक कि मेंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम सब के लिए, सोसाइटी में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी डे एक तो होना चाहिए सेलिब्रेशन. आज ही कर लेते हैं. देखिए काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, मुझे लगता है. बट मोस्टली एंड मेनली मुझे क्या लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द चेंज, इक्वालिटी इज समथिंग दैट हमेशा होना चाहिए एंड इट शुड कीप इवॉल्विंग, इक्वल चांसेस इन एवरी वे. इसीलिए तभी आई थिंक द मेल एंड द फीमेल विल कम टुगेदर एंड इट जस्ट बी इन हार्मनी, यू नो, बेसिक पॉइंट. तो बेसिकली इट शुड जस्ट बी इक्वल.
इक्वल और सब कुछ चिल. सही बात. लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू ऐड अप फॉर योर वीडियो? वी जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना सारा प्यार दिया. प्लीज़ और प्यार दीजिए. एंड इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, यू कैन प्ले इट शादी में या बिना शादी, टू योर लव, टू योर मॉम, टू योर डैड. गाना प्ले करने के लिए स्पेशली शादी कर लो, मैं तो कह रहा हूँ यार, ताकि गाना भी हो जाए, शादी भी हो जाए. शादी भी हो जाए. अच्छा तो भाई तुम मेरी तरफ से दो कर लो एक काम. वो वाली प्रतीक, आप वो डायलॉग वाले बोलो, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, शादी से डर लगता. शादी से डर नहीं लगता एक्चुअली, मुझे प्यार से डर लगता. प्यार से डर लगता. प्यार से डर लगता एक्चुअली यार. अच्छा, चल जाता है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल ये सॉन्ग है, फ्यू लाइंस. यस शम, मैं लिप सिंक कर लूं. हां आप केमिस्ट्री दिखा सकते हो. मैं डांस, मैं डांस, मैं डांस प्रति डांस मुझे चुना आपने. शादी वाला थीम है तो अपने दिमाग. चलो हम थोड़ी एक्टिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं है. लाओ हाथ. चलो मैं मैटिंग ऐसी बैठे बैठे एक्टिंग करती हूं. बैठे बैठे पूरा गाँव नहीं, नहीं तुमसे प्यारे प्यारे वो ये मेरी ना. हार ले गया, हार मंगवा दो भाई. लो शादी कर लेते हैं, शादी कर ही लेते हैं यार. बस खत्म हो सब छोड़ने वाले आई थिंक आपको पता है. ये मेरी जिंदगी नाम तेरे लिखी, इससे ज्यादा मैं बोलो क्या करूं. तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार है हमको, न जाने बात कह सके तुमको. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.